हेलो गाइस, सो आई एम बैक विद अनदर वीडियो। दिस टाइम आप लोगों ने पूछा था, इसीलिए आई हैव कम अप विद किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना की वीडियो। द एग्जाम दिस ईयर इज कमिंग अप ऑन अराउंड द एंड ऑफ जनवरी 2021। एग्जैक्ट डेट यहाँ पे ये रही। तो अगर बात करें एग्जाम के बारे में, सो किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना इज अ प्रोग्राम स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो कि सिलेक्ट करता है children who are interested in science, who have the aptitude for science, and those who will take up science and would require fellowships, fundings, etc. for their scientific researches when they're studying in their higher education. So, यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जैक्ट स्कॉलरशिप अराउंड 5,000 से 7,000 वेरी करते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट आता है कि ये स्कॉलरशिप सिर्फ उन्हीं बच्चों को मिलती है जो कॉलेज में BSc/BS, बी मैथ, बी स्टैट, बेसिकली साइंस रिलेटेड, मैथ रिलेटेड कोर्सेज टेकअप करते हैं। अब ज़रूरी नहीं है वो आप ISC या ISER में ही करें, आप कहीं भी इंडिया में ये कोर्सेज ले सकते हैं और आपको ये फेलोशिप मिलती है। सो यूजुअली द KVPY हैज़ टू राउंड्स, राउंड वन एंड राउंड टू। द राउंड वन इज अ रिटन एप्टीट्यूड टेस्ट, जो कुछ सर्टेन नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं क्लास 11th, क्लास 12th या फर्स्ट ईयर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के, अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन इस बार ड्यू टू द COVID-19 पैंडमिक देर हैव बीन मेजर चेंजेस इन द एग्जाम। काइंडली नोट कि ये सिर्फ और सिर्फ 2020 के लिए एप्लीकेबल है। जो इंटरव्यू होता था, राउंड टू होता था, दैट हैज़ बीन रिमूव्ड दिस ईयर, एंड ऑल्सो द स्टेज वन हैज़ बीन शिफ्टेड टू जनवरी, विच वॉज यूजली हेल्ड अराउंड नवंबर फर्स्ट या सेकेंड वीक में हो जाता था। लेकिन इस साल उन्होंने इंटरव्यू हटा के इसको सीधा जनवरी एंड में ले गए हैं। सो स्टूडेंट्स को टाइम भी मिल जाएगा ज़्यादा प्रिपेयर करने का, एंड सेकेंडली इंटरव्यू बेस्ड इंटरेक्शन इस बार नहीं होंगी बिकॉज ऑफ द COVID-19 पैंडमिक। एज फॉर द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन हु रिसीव दिस स्कॉलरशिप, SA स्ट्रीम एक होती है जो क्लास 11th के बच्चे देते हैं, जो इस साल अभी क्लास 11th में पढ़ रहे हैं। 900 टू 1000 पीपल आर अवॉर्डेड दीज फेलोशिप्स। द टॉप 900 टू 1000 इन दिस एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर दिस ईयर वुड बी अवॉर्डेड दीज स्कॉलरशिप्स। ये नंबर वेरी करता रहता है, फिक्स नहीं होता है, डिपेंडिंग ऑन कैसे क्वेश्चंस थे या फिर कितने बच्चों के अराउंड दोज मार्क्स आए हैं। सेकेंड कैटेगरी होती है SX की, वो बच्चे हैं जो अभी 12th में हैं, and these guys are around 1500 to 1800 every year, max से max कभी कभी 2000 भी touch कर जाता है, depending on the cutoff score के आसपास कितने बच्चे हैं। Lastly SB category होती है जिसमें 100 से max to max 150 बच्चे होते हैं। These are the people who are in their first year in the college, they can also write this exam under the SB category. अब किसी भी exam को crack करने से पहले हमको ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि वो exam पूछता क्या है, that is what is the syllabus of the exam. किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना के जो एप्टीट्यूड टेस्ट होता है उसका कोई फिक्स सिलेबस नहीं होता। ऑफिशियल वेबसाइट पे भी ये कहते हैं कि नॉर्मल स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स कैन गिव दिस एग्जाम एंड देयर एप्टीट्यूड विल बी टेस्टेड। हाउएवर एक पैटर्न देखा गया है पिछले कई सालों में, और कुछ टॉपिक्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा जो इनके एप्टीट्यूड टेस्ट में ऑफन रिफ्लेक्ट करते हैं, एंड हाउ दिस कैन हेल्प यू टू प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम इन अ बेटर वे, इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे। So firstly let's talk about SA. So let's start with mathematics. Mathematics often tests the mathematical thinking skills of the students through topics like number theory, functions, functional equations, quadratic equations, polynomials other than quadratic equations. ज्योमेट्री प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ज्योमेट्री के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं 10th तक के, आपने जितने भी ज्योमेट्री के फॉर्मूले कॉन्सेप्ट्स करे होते हैं, थ्योरम्स करे होते हैं, दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन KVPY। बाकी फिर जनरल मैथ्स एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस आते हैं और कुछ सीरीज एंड प्रोग्रेशन के क्वेश्चंस आते हैं। इसके अलावा भी क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन दीज आर द मेजर टॉपिक्स जिनसे मेजॉरिटी चंक ऑफ द क्वेश्चंस आते हैं, एंड बाय स्टडिंग और प्रैक्टिसिंग दीज टॉपिक्स ऑफ मैथ्स इसका आराम से क्रैक कर सकते हैं। कमिंग टू फिजिक्स, ग्रेड 10th तक की तो आपने करी ही है फिजिक्स, सो ग्रेड 11th की जो फिजिक्स होती है, टॉपिक्स लाइक फ्लूइड, टॉपिक्स लाइक SHM एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें, थर्मोडाइनमिक्स अगेन एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर फिजिक्स इन KVPY SA। ऑप्टिक्स ऑल्सो इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर जो SA में टेस्टेड होता है, इवन दो JEE के टाइम्स में आपको 12th में पढ़ाया जाता है, CBSE सिलेबस में भी 12th में है, लेकिन दे एक्सपेक्ट यू टू स्टडी फ्रॉम क्लास 10th, और ये मोस्टली 10th गोइंग टू 11th टाइप का सिलेबस टेस्ट होता है, इसीलिए ऑप्टिक्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, और इसका भी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी चाहिए ऐसे के लिए। केमिस्ट्री के लिए आप अपना पूरा 11th का सिलेबस कवर कीजिए, खास करके एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब वैसे देखा जाए 11th में काफ़ी कम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है,
लेकिन कई बार ये लोग 12th की भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिक्स जो एनसीईआरटी से होती हैं उसके क्वेश्चंस पूछ देते हैं, तो थोड़े बहुत आपको बेसिक्स केमिस्ट्री के तो कवर करके ही जाने पड़ेंगे। बाकी केमिस्ट्री ओवरऑल आसान ही रहती है, इसमें स्टफ़ लाइक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी और कुछ क्वेश्चंस जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ऐसे टॉपिक्स ऑफन हर बार ही रिपीटेड ही आते हैं। ऑब्वियसली क्वेश्चंस नहीं रिपीट होते बट कॉन्सेप्ट्स आर जनरली रिपीटेड, सो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि आप इनका प्रीवियस ईयर ऐसे क्वेश्चंस देखते रहें, करते रहें और उसी के बेसिस पे अपनी प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट कमिंग टू बायोलॉजी, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट दैट कैन इवन मेक योर पेपर और ब्रेक योर पेपर, ये ही रैंक डिसाइडर बन जाता है एसए में। यहाँ पे मैं एक खास एडवाइस टिप देना चाहूँगा पीपल हु हैव क्लियर्ड एनटीएससी, उनके लिए ये बहुत बहुत एडवांटेजियस हो जाता है कि बायोलॉजी 11th में टेस्टेड होती है, क्योंकि दिस इज़ बेसिकली द टाइम कि आपके साथ वाले जो बच्चे बायो पढ़ रहे होंगे उन लोगों के लिए तो ये बायोलॉजी आसान होगी, लेकिन आपको भी अगर आप जेई के बच्चे हैं और आपने एनटीएससी क्लियर करा है तो आपको भी वो बायो आएगी, तो आप भी अपने रैंक्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो रिफ्लेक्ट करें बिकॉज ऑफ योर एडवांटेज इन बायोलॉजी। गाइज वन थिंग विच यू मस्ट नोट, अगर खास करके आप जेई एस्पिरेंट्स हैं, कि 11th में आपका ये एग्ज़ाम में बायोलॉजी थोड़ा सा प्रिपेयर करके ही आप काफ़ी एडवांटेज ले जा सकते हैं, क्योंकि एसेक्स में एक जेई के बच्चे के लिए काफ़ी मुश्किल होता है रैंक ना लेके आना वर्सेस एक बायोलॉजी के बच्चे के लिए जो नीट की तैयारी कर रहा है, क्योंकि आप सेम 40 क्वेश्चंस या तो मैथमेटिक्स में करेंगे या फिर आप बायोलॉजी में करेंगे, एंड इट इज़ अ वेरी नोन फैक्ट कि कितना सारा आपका टाइम सेव होगा अगर आप बायोलॉजी करेंगे वर्सेस अगर आप मैथ्स करेंगे। आप कितने भी अच्छे हो मैथ्स में, आप बायोलॉजी वाले बच्चे से अच्छे बच्चे से तो ज़्यादा ही टाइम लेंगे, बिकॉज बायोलॉजी आर बारिंग अ फ्यू क्वेश्चंस मोस्टली सी एंड टिक क्वेश्चंस जो आते आते नहीं आते नहीं आते और इतने भी मुश्किल नहीं होते। मैंने जो देखा है 12th में जेई के बच्चों के लिए इट बिकम्स स्लाइटली टफर टू क्रैक KVPY वर्सेस अगर वो थोड़ा सा पढ़ के बायोलॉजी प्रीवियस ईयर से पढ़ के या फिर कुछ टॉपिक्स पढ़ के या फिर आपकी कोचिंग्स जो पढ़ाएंगी बायोलॉजी KVPY की वो पढ़ के आप KVPY एसए में जेई के बच्चे बेटर रैंक्स ले सकते हैं वर्सेस एसएक्स। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप एसएक्स में हैं तो फिर आपको सैड हो जाना चाहिए कि आप नहीं क्रैक कर सकते, क्योंकि बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो आराम से 1 to 10 में भी आ जाते हैं ऑल इंडिया रैंक्स में, और भी बहुत बच्चे एक्सेप्शनली रैंक्स ले जाते हैं क्योंकि उनका मैथमेटिकल एप्टीट्यूड काफ़ी अच्छा हो जाए। सो इफ़ यू हैव नॉट प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम और यू आर नॉट प्लानिंग टू गिव इट इन क्लास 11, यू कैन ऑलवेज प्रिपेयर योर मैथमेटिक्स वेरी वेल, बट आप ये ध्यान रखें कि आपको उतना अच्छा प्रिपरेशन करना है कि वो बायोलॉजी वाले से भी आप लोगों को ज़्यादा एडवांटेज हो जाए और आप अपने रैंक क्रिएट कर पाओ। दैट इज़ द एक्स्ट्रा एफर्ट यू विल हैव टू पुट इन, इट इज़ अचीवेबल, हैज़ बिन अचीव्ड और आप भी कर सकते हैं अगर आप चाहें, बट मैंने बस ये पॉइंट आउट किया कि अगर आप अभी कोशिश करें तो बायोलॉजी से आप काफ़ी लीड ले सकते हैं वर्सेस समबडी जो बायोलॉजी नहीं पढ़ेगा, एंड ऑल्सो वर्सेस अगर आप क्लास 12th में रहेंगे। अब आ जाते हैं हम थोड़ी डिटेल्ड प्रेपरेशन टिप्स पे कि हम कैसे प्रिपेयर करें इस एग्ज़ाम के लिए। सबसे पहली बात तो है जैसा मैंने अभी आपको टॉपिक्स बताए आप उनको फॉलो कीजिए, एंड टॉपिक्स को पढ़ना आपकी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रायोरिटी होती है कि आपके कॉन्सेप्ट्स एकदम क्रिस्प शार्प हो जाने चाहिए KVPY से पहले, क्योंकि वहाँ पे आप रिसर्च करने बैठेंगे नहीं किसी उस पे टॉपिक पे, वहाँ पे नहीं आप इतना मतलब कुछ क्वेश्चंस होंगे जो साइंटिफिक एप्टीट्यूड टेस्ट करेंगे आपका, वहाँ पे आपको थोड़ा बहुत सोचना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो आपको कॉन्सेप्ट नहीं आता आप उसको ही सोचने लग जाएंगे, क्योंकि वो आपको नहीं आएगा तो नहीं आएगा। तो सबसे पहली एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि आप उन कॉन्सेप्ट्स को पढ़ें, उन टॉपिक्स को पढ़ें जो KVPY टेस्ट करता है, आप उनके प्रीवियस ईयर पेपर से देखें, अभी जो मैंने लिस्ट करे वो कवर कीजिए, और बेसिकली आपने टॉपिक्स कवर कर लिए तो फिर सब अच्छे बढ़िया हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट जो आता है दैट इज़ कि आप पेपर अटैम्प्टिंग स्ट्रैटेजी कैसी रखेंगे। अब पेपर अटैम्प्टिंग स्ट्रैटेजी फॉर KVPY मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, वो थोड़ी और डिटेल्ड होगी, वो क्वेश्चंस को कवर करेगी, वो सैम्पल पेपर को कवर करेगी। ये वीडियो थोड़ी पास आएगी KVPY एग्जाम से ताकि वो आपको तब बेनिफिट करे, आपको याद भी रहे, तो इस वीडियो में हम टेस्ट अटैम्प्टिंग स्ट्रैटेजी नहीं कवर करेंगे, उसके लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल जल्दी, आई विल मेक दैट वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। तीसरे नंबर पे जो बात आती है वो है ऐसे स्टूडेंट्स के लिए, वो है कि बायोलॉजी के लिए आप दिन में कम से कम भी 1 से 1.5 घंटा रखिए बायोलॉजी पढ़ें। कहाँ से पढ़ें? 12th की NCERT से पढ़ें, 11th की NCERT से पढ़ें, जो आपको आराम से NCERT.NIC.IN पे मिल जाएगी, क्योंकि वहाँ से कई क्वेश्चंस डायरेक्टली रिफ्लेक्ट कर जाते हैं
और ताकि नॉन मेडिकल के बच्चे, मतलब मेडिकल के बच्चे आपके ऊपर फ़ायदा ना ले जाएं, आपको डेली 1 आवर निकाल के इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना ही पड़ेगा। एंड 1 आवर तो आप आराम से निकाल सकते हैं, स्पेशली उस टाइम पे जब आप अभी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के क्वेश्चंस करके हटे हों, थक गए हों, थोड़े बोर हो रहे हों, क्या करें, देन यू कैन स्टडी बायोलॉजी फॉर KVPY इन दैट टाइम। डेली अगर आप 1 आवर भी रख लें इसका, तो आपको लॉन्ग रन में जनवरी तक जाते जाते बहुत फ़ायदा होगा। कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हैवी एम्फेसिस ऑन मोस्ट, इज टेस्ट अटेम्प्टिंग, मॉक टेस्ट देना। कितने आप मॉक टेस्ट दोगे इस पर बहुत डिपेंड करता है कि आपका फाइनल स्कोर क्या आएगा, क्योंकि अगर आप मॉक टेस्ट देते हो तो आप ये डिसाइड कर सकते हो कि आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो, कहाँ आप लैग कर रहे हो, क्या क्या आपकी गलतियाँ रहती हैं पेपर अटेम्प्ट करते हुए, और आप अपने बेस्ट जज होते हो, आप ही जान सकते हो कि आप कहाँ गलत जा रहे हो और आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। इसीलिए मॉक टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब मॉक टेस्ट के लिए मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने ये बुक यूज़ करी थी अपने टाइम पे जब मैं ऐसे दे रहा था, ये काफ़ी अच्छी बुक थी, इसमें मेरे को टॉपिक वाइज अच्छे से ईयर वाइज पेपर्स मिल गए थे, एंड आई यूज टू अटेम्प्ट दीज एंड इट वॉज वेरी बेनिफिशियल टू अटेम्प्ट दिस। साथ ही आप KVPY की ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हैं, वहाँ पे आपको सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल जाएंगे। प्रीवियस ईयर पेपर्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज दे विल टेल यू व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर टेस्टेड और क्या क्या टॉपिक्स आपको पढ़ने के में भी कवर करने चाहिए। उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको कैसे करनी है अपनी तैयारी और क्या प्रिपेयर करना है। सो दैट इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग। तो पेपर अटेम्प्टिंग के साथ साथ पेपर करना घर पर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। So summing up guys, 31st January 2021, that is your target date for examination of Kishore Vaigyanik Protsahan Yojana ka aptitude test. Ek hi exam hoga, koi interview nahi hoga, puri jaan laga do, isi exam ko phodna hai aapne. इसी एग्ज़ाम का स्कोर आपको किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन स्कॉलर बना सकता है या फिर नहीं बनाएगा। तो आप लोग आज से लग जाइए, पूरी मेहनत करें, वो सारी टिप्स फॉलो करें जो मैंने इस वीडियो में दी हैं, और टेस्ट अटेम्प्ट करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। SX के बच्चे, SA के बच्चे, SB के बच्चे, कोई भी हो, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप इस टाइम को वेस्ट ना करें, क्योंकि ये 3 महीने आपको KVPY के कभी ज़िंदगी में वापस नहीं आएंगे। तो आप पूरी जान लगा दीजिए, पूरी मेहनत कीजिए, आई एम श्योर यू कैन डू इट। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन आस्क मी इन द कॉमेंट्स बिलो। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं, ये मेरी प्रोफाइल है। साथ ही कोरा पे भी मैं काफ़ी एक्टिव हूँ, यहाँ पे मैं आंसर्स लिखता रहता हूँ, आप जैसे बच्चों को गाइड करता हूँ। आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी DM कर सकते हैं या फिर जैसा मैंने बोला कमेंट्स में पूछ सकते हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, मोर वीडियोज़ कमिंग अप सून, KVPY की पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी हो, IIT JEE की टिप्स हो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मैथ्स की बुक्स का भी वीडियो आएगा। तो स्टे ट्यून टू दिस चैनल, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। Stay tuned. Thank you so much. All the best.